हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एफएल सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर 7 है रॉबिन्सन क्रूज। मैंने जो आपको पहले वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको इसके रीडिंग बताई थी, अब मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन करती हूँ। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन क्या है डिस्ट्रॉयड बाय सी, जब वो क्या है समंदर में उनका जो शिप थी जो उनकी जो शिप जो नाव बोट थी वो क्या है तूफान से क्या है वो बर्बाद हो गई थी, खराब हो बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी बाय सी। तो क्या है ही लिव्ड अलोन फॉर मेनी इयर्स ऑन एन आइलैंड एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वहाँ वो क्या है ही लिव्ड अलोन फॉर मेनी ईयर्स, वहाँ बहुत टाइम वहाँ बहुत बरसों रहे आइलैंड पर टापू पर और क्या है लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, उन्हें कोई कंपनी नहीं थी, बिना उसके ही कोई उनके कोई फ्रेंड नहीं, तो अकेले ही कई बरसों तक वो अकेले ही वो टापू पर रहे। वन डे क्या होता है एक दिन ही डिस्कवर्ड वन डे ही डिस्कवर्ड उन्होंने क्या है शोध करी उन्होंने देखा अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड, उन्होंने जो रेती थी उस पर क्या है उन्होंने अपने फुटप्रिंट देखे, कुछ जमीन जो सैंड थी रेती पर कुछ पांव की छाप देखी। लेट्स फाइंड चल हम उसको आगे देखते हैं फाइंड आउट हम मालूम करते हैं व्हाट ही डिड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो जो रॉबिन्सन क्रूजो जो थे उनकी शिप जो थी क्या है वो जो बीन हैड बीन डिस्ट्रॉयड हो गई थी वो क्या है उसमें खराब बर्बाद हो गई थी पानी में समंदर में, तो क्या है ही लिव्ड टूट गई थी पानी में, तो ही वो अकेले ही कहां बहुत वर्षों तक वो टापू पर अकेले रहे और बिना और लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, उन्हें वहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं था। वन डे उन्होंने एक दिन क्या देखा डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट ऑन आइलैंड एंड लॉन्ग्ड डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट इन द सैंड ऑन द सैंड सैंड पर क्या है रेती पर उन्होंने कुछ पैर की छाप देखी। लेट्स फाइंड आउट चल हम आगे देखते हैं कि बाद में उन्होंने क्या किया। वन डे एक दिन व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट जब मेरी बोट के जब मैं क्या है उसके पास गया बोट के पास जा गया था तो क्या है आई वाज सरप्राइज्ड मुझे नवाई लगी टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन इंसान के उन्होंने क्या है पैर की छाप देखी ऑन द सैंड जो रेती थी उस पर उन्होंने क्या है किसी के पैरों की छाप देखी। आई स्टूड अमेज्ड वो हैरान वहां पर खड़े रह गए। आई लिसन्ड क्या है आवाज भी सुनना उन्होंने सुनना चाहते थे। आई लुक्ड अराउंड मी उन्होंने आवाज भी सुनने की कोशिश की। आई लुक्ड अराउंड मी मैं अपने आसपास देखता रहा। आई कुड नाइदर हियर नहीं तो मैंने आवाज सुनी नोर सी एनीथिंग और न ही मैंने कोई चीज देखी। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन यानी क्या है जब उन्होंने सैंड में जब फुटप्रिंट्स देखे किसी के मैन के जो कोई इंसान के फुटप्रिंट देखे तो वो वहां पर क्या हैरानी से खड़े रह गए। आई लिसन्ड आई लुक्ड अराउंड में क्या है मैं उन्होंने सुनना चाहा कि कोई आवाज आए। आई लुक्ड अराउंड में वो उनके आसपास देखते रहे। आई कुड नाइदर नहीं तो उनको कोई आवाज आई नहीं तो उन्होंने किसी को देखा। वो बोलते हैं आई वेंट अप हायर वो ऊपर गए एकदम ऊंचाई पर टू लुक डाउन और नीचे देखा वहां ऊपर से। आई वेंट अप एंड डाउन
ऊपर चढ़ के उन्होंने नीचे देखा, द शोर, जो शोर किनारा था वहां पर ऊपर चढ़ के नीचे देखा शोर के पास, बट इट वॉज नो गुड, पर वहां पर कोई नहीं था, वो बेकार गया उनके लिए। इट वॉज सो गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, कहे उन्होंने बस एक ही फुटप्रिंट देखी, उन्होंने दूसरी और कोई फुटप्रिंट देखी, एक पैर का ही छाप देखा। आई कुड फाइंड नो अदर, उन्होंने दूसरी फुटप्रिंट वहां देखी नहीं, बट दैट वन, बस एक ही उन्होंने पैर की छाप देखी। आई वेंट टू इट अगेन, आई वेंट टू इट अगेन, फिर वो वहां वापस गए टू सी इफ देर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स, और आगे गए वो और देखा कि और कोई मिले मुझे फुटप्रिंट्स और पैरों की छाप मिले, एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माय इमेजिनेशन, या तो ये फुटप्रिंट्स देखे, या तो ये फुटप्रिंट से, या तो एक मेरी कल्पना है के, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, बट मैंने कोई गलती नहीं की, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की, वहां पर उन्होंने बराबर देखा, फुट देखा, टॉस देखे, इसकी छाप देखी, हील देखा, जो हील होती है एड़ी देखी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, उन्हें क्या है हर वो जो पार्ट का हर होता है हर पार्ट उन्हें वहां दिखाई दिया। आई कुड नॉट इमेजिन, वो समझ नहीं सके हाउ इट केम देयर, वो यहाँ वहां कैसे आया, जो उन्होंने पैरों की छाप देखी, वो अकेले ही रहते थे वहां, जब उन्होंने शरण में छाप देखी, फुटप्रिंट्स देखे, तो वो क्या है एकदम उनकी कल्पना की कोई वो नहीं रही, वो क्या है उनके जो थे उन्होंने एग्जैक्टली देखा कि वहां पर फुट की जो है हर पार्ट वहां पर था, फुट टॉज हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, हर पार्ट का उन्होंने वहां पर जो फुट के होते हैं वो सब पार्ट वहां पर उन्होंने सैंड में देखे। आई कुड नॉट इमेजिन, वो कल्पना नहीं कर सके कि हाउ इट केम देयर, वो वहां कैसे गया, वो क्या है अकेले ही रहते थे, लेकिन जब पैरों की छाप देखी तो वो क्या है उनकी कल्पना की इंतहा नहीं रही, वो सोचने लगे कि इतने सालों से मैं रहता हूँ कोई नहीं आया, और ये पैरों की छाप कैसे यहाँ आई, कौन यहाँ आ सकता है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम, वो वहां पर बहुत दिनों तक रहे थिंकिंग सोचते हुए, बट बीकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, पर वो क्या है उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और धीरे और क्या है ज्यादा से ज्यादा बहुत हैरान हो गए। एट लास्ट, आखिर में आई रिटर्न्ड होम, वो घर आए, जो होम था उनका घर पर आए, वेरी फ्राइटेंड, डरते हुए वो घर पर आए कि ये कौन आया है जिसके पैरों की छाप यहाँ पर दिखाई दी है। फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी, मैं अपने पास अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स, दो तीन कदम चलता और अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। मिस्टेकिंग एवरी बुश, उन्हें क्या है गलत लग दिखाई दे रहा था, हर एक जो झाड़ियां थी और जो ट्री था उन्हें एक मेन दिखाई दे रहा था, कि उनके दिल में क्या है डर भर गया था, डर गए थे वो कि ये कहाँ से आई ये फुटप्रिंट। तो मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, उन्हें क्या लग रहा था हर एक झाड़ी जो थी और ट्री क्या लग रहा था एक इंसान लग रहा था। तो क्या है आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, वो क्या है वहां पर रहे बहुत दिनों तक रहे सोचते हुए सोच के क्या है ये, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, पर वो देखते हुए वो ज्यादा से ज्यादा क्या है एकदम हैरानी में थे, कन्फ्यूज थे। आखिर में क्या है एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम, वो घर वापस आए वेरी फ्राइटेंड, डरते हुए वो घर वापस आए।
looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle. When जब मैं अपने केव में आया, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, जिसे मैं उसको कैसल यानी महल बोलता हूँ, मेरे रहने की जगह को, I ran inside, मैं अंदर भागा, I ran inside it, as if I was being chased, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर के मारे कहा है अंदर मेरे केव मेरे कैसल में अंदर भागा. I do not remember, मुझे कुछ भी याद नहीं, whether कि I used the ladder, मैंने क्या है सीढ़ी भी यूज करी थी, और went in by the hole, जो होल बनाया था, जो चट्टान के अंदर उसने होल बनाया था वो अंदर by सीढ़ी ली के नहीं ली, उसे वो भी याद नहीं रहा उनको, और वो अंदर दाखिल हुए by the hole in the rock, जो चट्टान में जो होल था उसमें उन्होंने क्या किया, अंदर वो चले गए. Which I called the door, जो चट्टान में जो उन्होंने वो बड़ा होल बनाया था उसको क्या कहते हैं, वो उसे दरवाजा बोलते थे. Which I called the door, I ran for cover, I ran for, अंदर गए उसे बंद किया, faster than any animal could run, कि कोई एनिमल वहां पर आना सके, भागकर आना सके. I did not sleep, मुझे पूरी रात, that night पूरी रात में सोया नहीं. I did not sleep that night, उस रात में सोया नहीं. The more I thought about what I had seen, दिमाग में यही फिरता रहा, वो सोचता रहा है कि जो उन्होंने फुटप्रिंट्स देखी थी जो पैरों की, उसके अबाउट वो सोचते रहे कि मैंने आज क्या देखा. द मोर आई थॉट, क्या है दिमाग घूमता रहा और वो सोचते रहे कि मैंने क्या देखा. द मोर अफ्रेड आई बिकेम, और डर गए थे तो क्या है वो कहते हैं, आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. The more I thought about what I had seen, मैंने क्या है, ये टापू पर कोई आता नहीं है, और अचानक ये पैरों की छाप देखकर और बहुत डर गए थे, और उन्होंने देखा कि दिमाग में यही छाया कि रात नींद नहीं आई, वही दिमाग में घूमता रहा. The more afraid I became, और वो क्या है घबरा गए थे, डर गए थे. I thought, वो सोचे, it could be one of the savages of the mainland, वो सोचते रहे, वो सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या है जो बर्बर होते हैं, जो भैंसी लोग होते हैं, जो मुख्य भूमि पर रहते हैं वही होना चाहिए, जो उनके फुट प्रिंट्स थे वो क्या समझे, जो बर्बर जो होते हैं सेवेजेस, वो क्या है जो वैश्य लोग होते हैं, यानी क्या है, आई वो सोचता रहा है कि कोई भी बर्बर वैश्य लोग जो मेन जो मुख्य जो भूमि पर यहाँ पर जो रहते हैं वो क्या है, जो वैश्य लोग हैं, जो उनकी मेन लैंड है, जो उनकी मुख्य भूमि है, वो यहाँ पर लगता है रहते हैं, कहीं से आए हैं. हु हैड वंडर्ड, जो घूमते क्या है, वंडर्ड यानी क्या है, जो घूमते रहते हैं इधर उधर. Wandered आउट टू द सी, जो सी के आसपास जो समंदर होते हैं उसके आसपास क्या है, जो वैसे लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं, वही होना चाहिए. इन अ स्मॉल बोट, छोटी छोटी बोट लेकर वो कई कई टापू के पास घूमा करते हैं, क्या है तो वो लोग ही होना चाहिए. तो उन्होंने क्या सोचा कि आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मैनलैंड. Luckily, I was not on the shore. क्या है सदभाग्य में क्या है वहां पर शोर जो किनारा था वहां पर नहीं था. खुशनसीबी से I was not on the shore.
किनारा था समंदर का, वहां मैं नहीं था एट दैट टाइम, उस टाइम पे वो वहां नहीं थे, बट लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। उस खुश नसीबी से वहां दरिया समंदर का किनारा है उस वक्त में नहीं था, बट वॉट इफ लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। खुश नसीबी से मैं वहां समंदर के किनारे नहीं था, बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट। क्या देखा वहां पर उसने अपनी बोट देखी उनकी, इफ ही हैड सीन द बोट, तो उन्होंने जब बोट को देखा ही वुड हैव रियलाइज, उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने क्या है दैट समवन, उन्हें एहसास हो गया कि कोई भी यहाँ रहता है, लिव्ड लिव्ड ऑन द आइलैंड, ये टापू पर कोई रहता है, कोई रहता था, एंड वुड सोन रिटर्न, और वो फौरन ही वापस आ सकेगा विथ अदर्स, दूसरों को लेकर, टू किल एंड ईट मी, जो क्या है मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा, उन्हें ऐसा ही वुड हैव रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हो गया कि दैट समवन, कोई भी यहाँ रहता था, लिव्ड ऑन द आइलैंड, टापू पर रहता था, एंड वुड सून, और जल्दी आएगा रिटर्न विथ अदर्स, दूसरे जो होते हैं उसके साथियों के साथ, टू किल, उन्हें मारकर खाने के लिए, वो दोबारा फिर से आएंगे जो टापू पर, जो वैशी बर्बर लोग जो रहते हैं, वो किल एंड ईट मी, मुझे खा जाएंगे। एंड सो आई ले फ्राइटेंड, मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था, फॉर मेनी डेज, थोड़े दिन में क्या है घबराया रहा, डरता रहा, एंड प्रेड, और दुआ करता रहा, फॉर प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत की दुआ करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट। आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट, क्या है फिर वो थोड़े कम्फर्टेड रहे और बाहर निकलने लगे, बट इवन नाउ, पर फिर क्या हुआ, एज आई वेंट फॉरवर्ड, और आगे गए तो उन्होंने क्या देखा, आई लुक्ड बिहाइंड, उन्होंने अपने पीछे देखा, बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, वो आई लुक्ड जब निकलते थे बाहर, पर वो क्या है निकलते वक्त वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखते रहते थे, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे, इसके लिए बाहर तो निकलते थे लेकिन क्या है पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखते रहते थे, क्या है, एंड सो आई ले इट फ्राइटेंड फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट, बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, यानी क्या है निकलते है थोड़े सुकून से रहे, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया तो क्या है वो आगे बढ़ते थे तो भी क्या है बार बार पीछे मुड़कर देखते रहते थे कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा, मुझे मार तो नहीं डालेगा, बिकॉज क्योंकि वो आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरे हुए थे। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज एंड saw नथिंग, तो भी क्या है वो बाहर निकले और अबाउट फॉर और तीन दिन तक क्या है उन्होंने कुछ वहां नहीं देखा। आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, वो थोड़े डरे हुए थे। आई डिसाइड, उन्होंने नक्की किया कि टू गो डाउन, वो क्या है नीचे जाएंगे, टू द शोर, शोर जन किनारा है उसके नीचे जाएंगे, अगेन एंड एग्जामिन, और क्या है वहां पर जाकर देखेंगे कि द फुटप्रिंट वंस मोर, क्या है उन्हें वो देखने का था कि एक बार मैं और जाऊं अंदर नीचे उतरू और शोर जो किनारा है वहां पर जाऊं और फिर से देखूं
कि फुटप्रिंट कैसा है, फुटप्रिंट वंस मोर एक बार उन्होंने उनकी देखने की, और वो तमन्ना थी कि मैं एक बार और जाकर फुटप्रिंट्स को देखूं, वंस अगेन देखूं। आई डिसाइडेड टू मेजर, वो क्या है, उन्हें ऐसा था कि मैं देखूं, डिसाइड करा उन्होंने के नक्की किया कि मैं वहां जाऊं और मेजर करूं, टू मेजर इट, जो फुटप्रिंट था उसको मेजर करूं विथ माय ऑन फुटमार्क, जो उनका फुट का फुटमार्क था, जो उनके पैर थे, जो पैरों के निशान थे, उससे वो मेजर करना उसे चाहते थे।